गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एज यू नो, इन द लास्ट चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स वी हैव स्टडीड व्हाट इज जीन, हाउ जीन कंट्रोल द कैरेक्टर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी व्हाट आर द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन। जीन आखिर केमिकली है क्या, और जीन में ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, कि कहाँ पे ये सेल में रहते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है, कौन कौन से केमिकल्स कंपाउंड हैं जो ये मॉलिक्यूल डीएनए को और आरएनए को बनाते हैं। इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर आधार क्या है, मॉलिक्यूल क्या हैं ये, और दे आर द लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या है, लॉन्ग चेन पॉलीमर हैं, और पॉलीमर हैं, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली आर द फॉर्म्ड बाय द राइबो शुगर एंड द नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस आर प्यूरिन एंड पिरिमिडीन एंड द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। इसमें हम चैप्टर में पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीएनए किस तरीके से फिर अपनी कॉपी बनाता है, अपनी सेम कॉपी अपने आप को कॉपी करता है, जिसको कि हम रेप्लिकेशन करते हैं। फिर डीएनए किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाता है, और आरएनए किस तरीके से प्रोटीन बनाते हैं, ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और ये प्रोटीन क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन एंजाइम का काम करते हैं, ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होते हैं, और ये प्रोटीन किस तरीके से हमारी सेल में यूटिलाइज होते हैं, हमारी सेल से में किस तरीके से दूसरे जगहों पर जाते हैं, ये सब हमारा इस चैप्टर का कंटेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, केमिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इसको हम बेसिकली इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे पास दो तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए में और आरएनए दोनों में, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि पिरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन में हमारे पास दो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडिनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन में हमारे पास क्या हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें दो रिंग हैं, और ये जो है अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो हम इसको, मैं आपको ये भी बताऊंगी इसकी हम काउंटिंग किस किस नाइट्रोजन की काउंटिंग क्या क्या होती है, और जो ये नाइट्रोजन 9 वाला कौन सा होता है जो कि शुगर से जुड़ता है। इसी तरीके से ग्वानिन में भी नाइट्रोजन 9 जो है, 9 नंबर पे जो नाइट्रोजन है वो राइबोज शुगर से या फिर डिऑक्सी राइबोज शुगर से जुड़ता है। तो ये अभी आप प्यूरिन और पिरिमिडीन के, अगर हो सके तो आप इन स्ट्रक्चर को याद करने की कोशिश करो, हमने क्लास 11th में भी इसको डिस्कस किया था, तो हम अभी इसको आपको और डिटेल में समझा देंगे किस तरीके से इनको बनाया जाता है और किस तरीके से इनको लर्न किया जाता है। ठीक है, तो पिरिमिडीन में हमारे पास कौन कौन से तीन बेसें हैं, यूरेसिल किस में होता है, यूरेसिल केवल आरएनए में होता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं मिलता। इसकी 2 और 4 पोजीशन पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इसलिए हम इसको 2,4-dioxy पिरिमिडीन भी, 2,4-oxypyrimidine भी हम इसको बोलते हैं, 2,4-dioxypyrimidine भी बोलते हैं, और या फिर यहाँ पे 2 पे और 4 पोजीशन पे ऑक्सीजन है। अच्छा, थायमिन में 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होता है, वैसे इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल यूरेसिल जैसा होता है, लेकिन क्या डिफरेंस है, केवल 5 नंबर पे इसमें कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप होता है, तो हम इसको थायमिन बोलते हैं, और ये इसको या फिर हम बोलेंगे 5-methyl-uracil। साइटोसिन 2 पोजीशन पे इस पर ऑक्सीजन होता है, और इसके पास 4 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होता है, ये साइटोसिन है। अच्छा, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर में अब आप यहाँ देखो, मैंने इसमें मार्किंग करी हुई है, 1-पोजीशन, 2-पोजीशन, 3-, 4-, 5-पोजीशन, ये 5 कार्बन इसमें होते हैं। ठीक है,
अच्छा, पांच कार्बन में जो इस पे डिऑक्सी राइबो शुगर है उस पे टू पोजीशन पे केवल एच है, जबकि राइबो शुगर पे टू पोजीशन पे ओएच ग्रुप है। तो यही डिफरेंस होता है राइबो शुगर में, डिऑक्सी राइबो शुगर में राइबो शुगर बहुत एक्टिव होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ओएच ग्रुप, जबकि डिऑक्सी राइबो शुगर डीएनए में मिलती है और इसीलिए डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। आप देखो, मैंने आपको चार न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर भी इसमें बना करके दिए हैं। जो कार्बन नंबर वन है उस पर जो हमारा बेस जुड़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोस शुगर है, ठीक है, उसके साथ नाइट्रोजन स्पेस से जुड़ रहे हैं, तो इसको हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। और कार्बन नंबर फाइव पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसके बनेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन रहा है पी और ओ, ठीक है, कार्बन यहाँ पे सी एच टू है, सी एच टू ओ एच और फॉस्फोरिक ग्रुप के बीच में, ठीक है, तो ये एस्टर बॉन्ड है, तो इधर फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन गया और इधर हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड गया, तो हमारा ये एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया, जो हम इसको क्या बोलते हैं, थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, या फिर आप इसको बोलो थायमिडिलिक एसिड, है ना, डिऑक्सी, क्योंकि थायमिन तो केवल डीएनए में होता है, इसको हम थायमिडिलिक एसिड बोलेंगे, तब भी आप समझ जाओगे ये आरएनए का नहीं है, डीएनए का ही है, क्योंकि डीएनए में ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड की, एएमपी, एडेनोसिन डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। पहले मैं आपको सारे डीएनए की बता रही हूँ, आरएनए भी इसी तरीके से चार न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे भी ये वाला एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया और ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। तीसरा है ग्वानिलिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड या डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। और चौथा है डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी साइटोजेलिक एसिड, ठीक है। अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, फिर मैं आपको आगे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड बताऊँगी और फिर हम आगे किस तरीके से डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, किस तरीके से इनमें नाइट्रोजनस बेसिस में बेस पेयरिंग होती है, ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।